कमलनाथ सरकार की युवा स्वाभिमान योजना का लाभ युवाओं को नहीं मिल पा रहा। सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी मुलाजिमों के हाथ में होता है, जिसे वे अलग अलग तरीके से निपटाकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, लेकिन हितग्राही को वास्तविकता में उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता। मंदसौर नपा कार्यालय पर कुछ युवा स्वाभिमान योजना के हितग्राही नापा अधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, जिसमें पुरुष हितग्राही ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि मोबाइल सुधारक ट्रेड में पंजीयन करवाया, लेकिन प्रशिक्षण कंप्यूटर का दिया जा रहा है, लेकिन प्रमाण पत्र मिलेगा ब्यूटी पार्लर का। इस प्रकार प्रशिक्षण केंद्र संचालक और सरकारी कारिंदे मिलकर प्रशिक्षण व्यय की बंदर बांट कर रहे हैं, जबकि इस प्रशिक्षण का हमें भविष्य निर्माण में वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। सभी युवक युवती इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। जी भैया बताइएगा, आपने जो आज ज्ञापन दिया है वो आपने किस विषय के लिए ज्ञापन दिया है? ज्ञापन में हमने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाना था, वो बेरोजगारी भत्ता हमको नहीं दिया गया, और जो हमको ट्रेड मिली थी सहायक मोबाइल और परिचायक की, वो ट्रेड के अनुसार हमको ट्रेड नहीं दी गई और सभी युवाओं को ब्यूटी पार्लर की ट्रेड दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IC24 न्यूज।